मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह हो चुकी है, गोलू स्कूल जा चुका है, मैं अपना रेडी हो चुकी हूँ, किटी है आज, तो जो है किटी है तो जाना ही जाना होगा। वैसे भी किटी के बिना मेरा मन नहीं लगता। दूसरी चीज़, रूम वगैरह तो अभी आज क्लियर नहीं है, ओनली ना बेड क्लियर कर देती हूँ मैं। थोड़ा सा ना बेड क्लियर होते के साथ ही सफाई सी लगने लगती है, तो मैं भी शायद मार्केट जाऊँ, क्योंकि मेरे बीमार पड़ने की वजह से, मम्मी के बीमार पड़ने की वजह से ना, जो मम्मी का काम है वो थोड़ा सा पेंडिंग में चला गया। अब आज से मम्मी का फंक्शन में जाना है कहीं पर, तो वहाँ से जो है उसकी वजह से मम्मी को थोड़ा सा सामान लेके आना है। अब देखो मार्केट जाते हैं, मैं और मम्मी जाते हैं या सिर्फ मैं जाती हूँ, क्या सीन है आई डोंट नो। तो गाइज, अभी मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, दिया मैंने जला चुकी हूँ, वाणी लगाऊंगी और इसके साथ साथ नाश्ता करूँगी। बाहर काम चल रहा है तो 1% हो सकता है मम्मी ना आ जाए, क्योंकि बाहर का काम जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। पुट्टी वुट्टी पेंट वेंट थोड़ा सा बाहर के एरिए पे चल रहा है अभी। सो गाइज, मैं अभी निकल रही हूँ मार्केट के लिए, मम्मी का काम ही खत्म ही होगा लास्ट मोमेंट तक। भाई साहब, हम दोनों भी अभी निकले, मैंने कहा मम्मी मैं और आप चल रहे ना, मैं ना जा रही। अब चलो कोई बात नहीं, अब मम्मी है वही टक्कर है, माँ है हमारी, है ना बाबू, करना पड़ेगा खाता। हमारी पान वाली बना दी। कौन सी पान वाली? कौन सी पान वाली भाई? एक पड़ेगा रेप्टा। हाँ तो वो आज पड़ेगी ना ब्लॉग में। सो गाइस, यहाँ पे हो चुकी है शॉपिंग, बहुत छुट्टम पुट्टम सा था लेकिन हो चुका है बस फाइनल। अरे इसके दो गुलाबी रह गए। किसके दो गुलाबी वाले रह गए? नहीं नहीं गोल्डन लिया था हमने। जब आपकी भाभी पहन के आएंगे तो आप समझ जाना। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ घर पे, उसी को शॉपिंग कर लाई। मम्मी का काम यूं चुटकी होने बढ़ गया है, चुटकी होगा बस फटाफट लटकन ली, कुछ जूड़े लिए, कुछ एसेसरीज ली, कुछ जूड़े पिन, सेफ्टी पिन, लटकन, बस यही सब चीज़ें ली। और उनका काम सच्ची को चुटकियों में निपटा, चुटकियों में हम बस 10 मिनट भी नहीं लगे हमें, सारा सामान हो गया। अभी उनकी बस लटकन वटकन लगा दी हूँ मैं, ये इनकी लटकन लगा भी दी मैंने ब्लाउज़ में, ये वाला ब्लाउज़ हो भी चुका है। अब मैं बस ये वाली साड़ी का ब्लाउज़ रेडी कर रही हूँ। अब इसकी लटकन कहाँ गई? अरे लटकन कहाँ गई, ये भी लटकन इसकी, ये इसके साथ की मैचिंग करके लेकर आई हूँ। हाँ, अब इसका ब्लाउज़ कहाँ है यार, ब्लाउज़ कहाँ है इसका, ये रहा ब्लाउज़ इसका। अब मैं लगाती हूँ इसकी लटकन। अब डोरी कहाँ है, ये रही डोरी इसकी। चलो भैया, चलो चलता ही। सो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ एंड सच्ची कहूँ लंच, मतलब वो मम्मी की लटकन ठाकने के बाद लेट गई, उसके बाद कुछ ना कुछ चलती रहा। फिर मैं सो गई, रैंडम आँख खुली, 3:15 बज गए थे। एंड उसके बाद जो है गोलू गोलू आया, तब कहीं जाकर मेरी आँख खुली थी, चल जल्दी जल्दी तैयार हुई, क्योंकि खुद को भी तैयार होना था, मम्मी को भी रेडी करना था। मम्मी को फंक्शन में जाना है तो मम्मी को तो नैना से रेडी होना है, क्योंकि नैना अच्छे से तैयार करती है। एनीवेज, मैं आ चुकी हूँ किटी में, तो डायरेक्ट किटी मतलब लटकन लगाने के बाद से सीधे मैं किटी में पहुँची तैयार होकर। और आज की जो थीम है हमारी वो है रेड कलर की थीम, क्योंकि आज विलेन क्योंकि आज थीम जो है वो रेड कलर की है। मेरा भी वीडियो बना दो, मैं आती हूँ। तो थीम जो है रेड है, बस कुछ नहीं पहना, देखो मैंने रिंग्स भी नहीं पहन पाए, मम्मी को ही तैयार करने में रहती हूँ। एनी वेज, बैठी हूँ आराम से मैं। अरे मम्मी, सुबह जब भी बज रहे हैं 7:15, हम लोग आ चुके हैं, चेंज कर लिया है, और भाई बहुत थक चुकी हूँ, इतना थक चुकी हूँ बेहद, क्योंकि आज सुबह से देख ही लिया आप लोगों ने, अभी थक गया। गुल्लू कल छुट्टी नहीं है स्कूल की, प्रिपरेशन लीव नहीं रखी स्कूल वालों ने, कल को दी कल आपने पढ़ाया नहीं। क्या क्या नहीं पढ़ाया भाई मैंने तुझे? नहीं तू बता क्या नहीं पढ़ाया मैंने तुझे? अरे मेरे मुंह से निकल गया यार। प्रिपरेशन लीव भी नहीं दी? अरे मम्मी 17 के बाद प्रिपरेशन लीव है। अच्छा, बस कल 17 को एग्जाम है। परसों? हाँ परसों। तो गाइस, बस 7:15 बज रहे हैं, अब मैं थोड़ी देर सोच रही थोड़ी देर में लेटूंगी, उसके बाद मैं किचन में जाके खाने वाने की प्रिपरेशन देखूँगी क्या बनाना है क्या नहीं। वैसे तो आलू के पराठे बनाने की सोच रही थी, आलू वाले बस आकर आई हूँ, फिर आलू वाले छिलूँगी, आटा वाटा मलूँगी, प्याज व्याज कसूँगी, बस यही सीन चलेगा थोड़ी देर। अभी तो यहाँ पर मम्मी बना रही हैं डिनर, यहाँ पर पहले किटी में जाओ, पहले मार्केट जाओ, फिर किटी में जाओ, हाँ फिर आके खाना बनाओ, फिर तुम्हें पढ़ाओ। मम्मी इतनी तो पढ़ाई मैं खुद कर लेता हूँ, उसका देखना पड़ेगा।
पापा ब्लॉग देख रहे होंगे ये, मम्मी डरती थोड़ी है किसी से, नानू से भी नहीं। आप उन किसी से नहीं डरता भगवान के अलावा? ओह, और नानी से भी नहीं? आप उन किसी से नहीं डरता भगवान के अलावा? मतलब आप अपनी मम्मी से भी नहीं डरती? थोड़ा थोड़ा तो डरती हो यार। अबे माँ से कौन डरता, माँ चप्पल जब मार। आप ही कह रही हूँ। कहने की बात। हाँ, मम्मी और पापा तो भगवान होते हैं। हमारे तीन भगवान है, तीन। एक तो पेरेंट्स, दो हो गए, एक दो पेरेंट्स और एक भगवान, तीन हो गए हमारे पास, तीन भगवान है। तो मतलब आप यहाँ पर भगवान हो? ओ थैंक यू, आयुष्मान भवन, कल्याण हो। माँ मैं इन बीच में कहता था वत्स। सो गाइस अभी बज रहे हैं 10:45 एंड मैंने शेड्यूल बताया था, पहले मार्केट जाओ, फिर खाना बनाओ, फिर किचन में जाओ, लास्ट में बच्चे को पढ़ाओ। ये देखो उसको पढ़ा रही हूँ मैं। और क्या कहते हैं, बस हिंदी का एग्ज़ाम है, एक्चुअली ओरल एग्ज़ाम है। अब ओरल एग्ज़ाम में इंग्लिश के सारे न्यू वर्ड्स, हिंदी के सारे श्रुति लेख, हिंदी इंग्लिश की पोएम स्टोरी, ये सब कुछ खड़ रहा है। तो आज सोच रही हूँ कि ये डिक्टेशन जो वर्ड्स हैं इनको मैं निपटा दूँ। और वन मोर थिंग गाइस, आज गोलू ने थोड़ा सा मिसबिहेव करा और गोलू की बहुत डांट पड़ी ना। आप करोगे आगे से ऐसे? बताऊं सबको क्या करा तुमने? बोलूं? नहीं, सबक मिल चुका है। ऐसे पता है इसकी मम्मी चिथैल है, सही कर देगी इसको। तो अभी तो जैसे 10:45 बज रहे हैं, सोच रही हूँ 15-20 मिनट में इसका श्रुति लेख फिनिश हो जाएगा एंड देन मैं एडिटिंग करूँगी। कोशिश करूँगी मैं कि मैं जल्दी सोऊँ, क्योंकि वापस से मेरी आंखों के नीचे गद्दे आ गए, गद्दे। अभी तो आपको एक चीज़ दिखानी थी, ये पापा ने किसी चीज़ में पता नहीं जीता है, और देखो बहुत तो प्यारा लग रहा है, पापा ने जीता है। और पापा का है, पापा को कंग्रेचुलेशन तो कर दे। और यहाँ पे मम्मी अभी भी खाना सीख रही हैं, देख ले। दो दफा खाना सीख रहा है। हाँ, पापा से कंग्रेचुलेशन करूँगा कि पापा ने ट्रॉफी जीती है। पापा कंग्रेचुलेशन, फर्स्ट पोजीशन। थैंक यू। ये रख दी, मेरा काम इस समय दिमाग खराब हो रहा है। आपने जैसे कि देखा होगा कि पापा ने मतलब ट्रॉफी जीती, और मतलब मैं मुझे पता नहीं पापा ने किस चीज़ में जीती। पापा ने कहा कि मैं जीत गया, मैं पूछना भूल गया, भी पूछ लूँगा तो मैं आपको बता दूँगा। एंड अभी जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया कि मम्मी अभी रोज़ रोज़ का काम है उनका, कि वो अभी खाना सेक रही है, मतलब डिनर अभी ना पापा का रह गया था, पापा का मम्मी सेक रही है। और अभी आज के लिए इतना नहीं है, बस अभी करेंगे, अभी एक ब्लॉग एंड नहीं हुआ। और अभी मैं कर रहा था रजिस्टर में अपना सारा काम। चलो अब इसको अभी मतलब 5 मिनट के लिए बंद कर देना, क्योंकि मम्मी अभी खाना सेक रही है, फिर जब आएंगी तब खोल लूँगा मैं। भाई थोड़ी हालत बेकार हो रही, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करना एंड हम लोग इसको उधर रख दे रहे हैं। एंड अभी पापा को कॉन्ग्रेचुलेशन हमने कर दिया है, तो पापा अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड बस मैंने भी पापा से पूछी कि पापा आपने किस चीज़ में ट्रॉफी जीती, तो पापा ने बताया कि पापा ने टेबल टेनिस में ट्रॉफी जीती है। भाई मतलब इतना अच्छा खेलते हैं ना टेबल टेनिस, मतलब 2-3 बार मैंने ट्राई करा खेलने का, बट ना मैं खेल नहीं पाया ढंग से, क्योंकि ना देखो संडे टू संडे खेल पाता था, उसमें 2-3 बार हल्का भूल जाता था, मतलब जो होता है ना ऐसे चलाते हैं, मैं हल्का भूल जाता था, तो इसलिए भाई संडे टू संडे जाता था, इसलिए भूल जाता था। पढ़ाई भी है तो इसलिए भाई होता रहता है। अब मैं जैसे कि जाता रहता हूँ ना मतलब खेलने अपना, तो इसलिए। एंड जैसे कि आपको बता दी कि पापा ने टेबल टेनिस में ट्रॉफी जीती और मम्मी अपना कर रही है काम। सो गाइस अभी बज रहे हैं 12:30 और आज के दिन तो ऐसी रहा यार, किटी विटी रहती है ना, थोड़ा सा रहता है, मम्मी का मार्केट वार्केट भी जाना, बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती है। गोलू के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो गोलू को भी देखना पड़ रहा है, यही सब चीज़ें चल रही हैं। फिर डांस के टाइम पर जो रूम वूम फैल रहा था, किटी हुई, ये सारी चीज़ सब कुछ ना साथ लेके चलनी पड़ती है। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, टिल दैन टेक केयर, डू मोर शेयर, डू मोर लाइक्स, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।